क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x² + 3 sin x एट x इक्वल टू 0। नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कर्व लिखा हमने y इक्वल्स टू 2x² + 3 sin x, डिफरेंशिएशन कर दिया तो dy अपॉन dx हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4x + 3, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ठीक है जी। हमने इस वाले x इक्वल टू 0 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, लिख रहे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 0, तो वो हो जाएगा dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 0। तो जहां पर भी x है ना वहां 0 पुट कर दीजिए, 4 × 0 + 3 cos 0, ठीक है जी। ये तो 0 हो गया, 3 × cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करते इस वाले फॉर्मूले से, माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा, तो लिख रहे स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी। तो माइनस का 1 ये रहा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा 3 था, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया।